एवरीवन, सो मेरे चैनल पर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को चीज़ पसंद आती है दैट इज़ माई डाइट प्लान्स। इसीलिए मैं आ गई हूँ आपके लिए लेकर एक पूरा वन मंथ का विंटर डाइट प्लान, जिसकी हेल्प से आप आराम से लूज कर सकते हैं मिनिमम 5 kgs टू अप टू 10 kgs। नाउ एक महीने में आपको इतने अच्छे अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे फॉलो करनी है, क्योंकि मैंने इसीलिए लिख कर रखी है जिससे मेरी साइड से कोई गलती ना हो और मैं आपको A to Z सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता पाऊँ, ठीक है। लेकिन आपको भी उसको वैसे के वैसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो हम दोनों मिलकर रिजल्ट्स चाहते हैं वो वैसे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब दिवाली आ रही है कुछ ही दिनों में, तो हमारा डेफिनेटली वेट बढ़ने वाला है। कुछ लोगों का एनीवे लॉकडाउन की वजह से थोड़ा वेट बढ़ गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पूरा दिवाली अपना अच्छे से निकालो, क्योंकि साल में एक ही बार इतना बड़ा हमारा फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट डे से ही दिवाली के आपको स्टार्ट कर देनी है ये डाइट और एक महीने में अपना आराम से पूरा वेट जो आपने गेन किया है इतने लंबे टाइम में वो लूज कर लेना है, ठीक है। और ये जो डाइट प्लान आप फॉलो करेंगे ये आप इवन दिसंबर के मंथ में कर सकते हैं, लाइक नवंबर से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर में कर सकते हैं आप, इवन जनवरी में भी कर सकते हैं। और जब तक आप ये वर्क कर रहा है, आपको दिख रहा है कि अभी भी लूज हो रहा है वेट, तब तक करें, डेफिनेटली मिनिमम 1 month तो आपको करना ही करना है। देखिए डाइट प्लान बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्पेशली विंटर्स में करना, क्योंकि विंटर्स में जो हमारा एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है तो हम लोग जा नहीं पाते हैं बाहर वर्कआउट करने के लिए या फिर रनिंग वॉकिंग करने के लिए। तो मेन फोकस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी डाइट पर, स्पेशली इन विंटर्स, जिसकी हेल्प से आप आराम से वेट लूज भी कर पाए और उसको मेंटेन भी कर रख सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज बताऊं इस डाइट की क्या है, कि मैं सारे आपको घर के खाने के ऑप्शंस दे रही हूं, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो एक बार आप जितना भी लूज कर लें उसके बाद वो दोबारा वेट आपका वापस नहीं आएगा जो क्रैश डाइट्स फॉलो कर आ जाता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक डाइट बताऊंगी। वो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है ध्यान में रखने, क्योंकि कई लोग सारी डाइट वैसे का वैसा फॉलो करते हैं लेकिन उनके जो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो फॉलो नहीं करते हैं जैसे करनी चाहिए, और इसीलिए उनका जो वेट है वो लूज नहीं हो पाता है। सबसे पहली चीज है कि आपको मिनिमम पीना है 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। इतना पानी तो आपको पीना ही है, यू हैव टू स्टे वेल हाइड्रेटेड। वाटर इज द बेस्ट थिंग एवर, क्योंकि कैलोरीज नहीं होती हैं वाटर से, आपका पेट भी काफी देर तक भरा हुआ होता है। इट जस्ट बेसिकली एलिमिनेट्स ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। मिनिमम मैंने आपको बताया है 2 to 3 liters, उससे ज्यादा ही आपको पीना चाहिए। और हाँ, ठंडों में क्योंकि हमसे नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता है, इट इज़ ओके, आप उसको नॉर्मल थोड़ा सा वार्म कर पी सकते हैं, ठीक है। माय सेकंड पॉइंट इज आपको लेनी है मिनिमम 8 hours ऑफ साउंड स्लीप। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू लूज वेट कि आपकी 8 घंटे की प्रॉपर अच्छे वाली नींद पूरी हो। उससे हमारे डार्क सर्कल्स भी नहीं पड़ते हैं, हमारी स्किन भी ग्लो करती है, हमारे हेयर भी अच्छे रहते हैं, साथ में ऑब्वियसली हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते ही मिलते हैं। माय थर्ड पॉइंट इज नो स्ट्रेस, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस, आप मेडिटेशन करिए अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो, क्योंकि अगर हम सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो भी आपका जो वेट लॉस है वो जैसा होना चाहिए नहीं होगा, तो आपकी पूरी मेहनत जो है ना वो वैसा रंग नहीं ला पाएगी जैसा हम चाहते हैं। माई फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज डिनर बिफोर 7 PM एनी हाउ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिनर कर लें 7 बजे के पहले पहले। सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो लेट नाइट ईटिंग की करते हैं, क्योंकि जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे वो तो आपको ध्यान में रखने ही हैं, उसके साथ आपको करनी है ये डाइट फॉलो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अब। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक आपको ले लेनी है 7 to 7:30 के बीच में, उससे ज्यादा लेट नहीं करना गाइस। मॉर्निंग ड्रिंक आपको सबसे पहले उठते से ही एम्प्टी स्टमक ले लेनी है, एंड उसके बाद ही अगर आप होम वर्कआउट करना चाहते हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो वो 10 minutes का वर्कआउट है, आप 20 minutes उसको 2 बार करें, इसके साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट हो जाएगा। खैर पहले मैं मॉर्निंग ड्रिंक का बता देती हूँ। सिनेमन टी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ मॉर्निंग ड्रिंक में आपको लेनी है एवरी सिंगल डे। और सिनेमन टी जो होती है वो आपका बेसिकली ओवरऑल मेटाबॉलिज्म बॉडी का बढ़ाएगी, जिसको हम दालचीनी भी बोलते हैं इन हिंदी। और दूसरी चीज आपका वो इंच लॉस करने में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को टोन करने में इन अ वे हेल्प करेगी। आपको लेनी है 2 to 3 cups ऑफ सिनेमन टी इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, ठीक है। तो अभी आपको नहीं पता ना बनानी कैसे सिनेमन टी, चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि आपको कैसे बनानी है सिनेमन।
और ये पूरा भी हमें पी जाना है इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। चीयर्स। तो आपका मॉर्निंग ड्रिंक जो है आपने ले ली 7 से 7:30 के बीच में। उसके बाद नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट आप करेंगे वो आप करेंगे 8 से 9 के बीच में सुबह, और इससे ज्यादा लेट आपको नहीं करना है। टाइम जो मैं बता रही हूँ वैसे ही चलना है। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको 5 ऑप्शन दे रही हूँ, आपको इन्हीं 5ों में से एक को ही लेना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है मैं आपको दे रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, वो है ज्वार का दलिया। आप 1 बाउल ज्वार का दलिया खा सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप रेसिपी से देख सकते हैं। और उसी तरीके से बिल्कुल बनाना आप ज्वार का दलिया अपना, एंड वो आप 1 बोल खा सकते हैं इन ब्रेकफास्ट। माय सेकंड ऑप्शन इज आप ले सकते हैं 2 मल्टीग्रेन रोटी विथ 1 बोल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। कोई भी हरी सब्जी के साथ 2 मल्टीग्रेन रोटी आप खा सकते हैं। जो दोनों आप रोटी लेंगे उनमें आप मिलाकर 1 टीस्पून देसी घी लगा सकते हैं रोटी में, तो उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ में देसी घी खाना बहुत ज़रूरी होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है उससे, कभी भी थकावट सी नहीं लगती है हमारी स्किन में, एंड एट द सेम टाइम हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होती हैं अगर हम हेल्दी फैट्स खाते हैं तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ उसको स्किप मत करना, ठीक है। और जो सब्जियाँ आप बनाएंगे जो पूरे ब्रेकफास्ट लंच पूरे दिन में मैं आपको बताऊंगी, वो आपको बनानी है सिर्फ 1 टी स्पून ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी में, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। माय थर्ड ऑप्शन इज आप ले सकते हैं 2 बाजरे की रोटी 2 बाजरा रोटीज विथ 1 ग्रीन सब्जी। किसी भी तरीके की ग्रीन सब्जी आप ले लेंगे और बाजरा की रोटी आप खा सकते हैं विद इट। सेम इस पर भी वही अप्लाई होगा जो मल्टीग्रेन रोटी में होगा, कि आप इस पे भी 1 टीस्पून देसी घी दोनों रोटियों में मिलाकर 1/2 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून देसी घी आप ऐड कर सकते हैं रोटियों में, एंड वो आप खा सकते हैं आराम से। और जिन लोगों को स्वीट की क्रेविंग होती है, मीठे की क्रेविंग होती है, पहली बात तो मैं कहती हूँ बिल्कुल मीठा नहीं लो तो बेटर है इस पूरे प्लान में। लेकिन कुछ लोगों को स्टिल मीठे की क्रेविंग नहीं रोकी जाती है, इन दैट केस कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं थोड़ा सा 1 टीस्पून के हिसाब से आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं और उसको आप खा सकते हैं जस्ट ब्रेकफास्ट के बाद। मतलब आप बाजरे की रोटी जैसे खाते हैं उसके साथ बहुत अच्छा भी लगता है गुड़, एंड विंटर्स में उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुड़ लेना ही लेना है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो बेस्ट रहेगा अगर आप गुड़ वगैरह या मीठे से दूर रहें तो। फोर्थ ऑप्शन इज उन लोगों के लिए जो लोग एग्स खाते हैं, तो आप 2 एग्स या फिर एग भुर्जी बनाकर खा सकते हैं विद 2 मल्टीग्रेन रोटीज। लेकिन जो आप एग भुर्जी बनाएंगे उसको आपको बहुत ही कम ऑयल में बनाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी, याद रखना है, ठीक है। फिर नाउ फिफ्थ ऑप्शन इज जो लोग चिकन खाते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आई एम अ वेजिटेरियन, लेकिन मैं फिर भी जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ, कि आप अगर नॉनवेज खाना चाहते हैं ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट टाइम टू हैव इट, एंड ट्राई टू हैव ग्रिल्ड चिकन या फिर फिश इज़ वेरी वेरी गुड वेट लॉस में भी, तो आप वो ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के अलावा मीट वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और जिन लोगों को चाय कॉफ़ी या मिल्क लेने की आदत होती है आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर देना है, आपको फिर नहीं लेना है इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको आदत है लेने की तो आप 1/2 आवर अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, 1/2 आवर वेट करेंगे और उसके बाद आप ले लेंगे अपनी चाय या कॉफ़ी, साथ में मत लेना खाने के। थोड़ा एटलीस्ट 15 मिनट का डिफरेंस, आधे घंटे का डिफरेंस जरूर रखना। हमें हैवी ब्रेकफास्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हमें पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती है काम करने की। वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बॉडी को सजा सी देते रहें, वेट लॉस करने का मतलब ये है कि हम और बेटर अपनी लाइफ को बना रहे हैं, तो और अच्छा फील करना चाहिए ना कि बुरा। तो आप जब कोई डाइट फॉलो करते हैं तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, अगर वो अच्छी डाइट है तो आपको अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक थोड़ा फील होगा, लेकिन अगर वो ख़राब डाइट है तो आपको पूरे दिन में लथार्जिक सा फील होता रहेगा। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ कि आप ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा और हैवी करें। ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो अच्छे फिलिंग ऑप्शंस हैं, आपको भूख नहीं लगेगी, पूरे दिन एनर्जी भी मिलती रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिड मॉर्निंग स्नैक। नाउ मिड मॉर्निंग जो स्नैक आप लेंगे वो आप 11 AM को लेंगे। 11 AM से आपको लेट नहीं करना है और उसके पहले भी नहीं लेना है, तो ध्यान में रखना है टाइम कि 11 AM पर ही लें। अच्छा, मिड मॉर्निंग स्नैक जो होता है उससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है और साथ में हमारा जो वेट लॉस में वो बहुत हेल्प करता है, तो वो ज़रूर लेना है, स्किप नहीं करना है। क्योंकि हम जब लंच तक पहुँचते हैं धीरे धीरे तो हमें भूख कम लगती है, हम कैलोरीज कम खाते हैं, ये हमें समझ नहीं आता है, लेकिन कभी आप
अगर अपने आप को फिल्म करो ना खाना खाते टाइम, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कितना डिफरेंस होता है अगर हम मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं तो हमसे थोड़ा सा 2-3-4 बाइट एटलीस्ट कम खाते बनता है, लेकिन अगर हम मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लेते हैं तो हम डेफिनेटली ज़्यादा खा जाते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, एक फ्रूट आपको खाना है, कोई भी इन दोनों में से आप एक फ्रूट ले सकते हैं एवरी सिंगल डे 11 बजे, ठीक है। पहला ऑप्शन इज गुआवा, सेकेंड ऑप्शन इज आप ले सकते हैं एप्पल। एप्पल्स आर लिटरली द बेस्ट फ्रूट्स दैट इज देयर, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए टू स्टे हेल्दी। गुआवा क्योंकि अभी सीजनल फ्रूट है, तो अगर हम सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, कभी भी खराब नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई आई गिव यू दीज बोथ ऑप्शंस, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो, घर में हो, वो आप खा सकते हैं। गुआवा इज़ वेरी रिच इन विटामिन सी, जिनको स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि गुआवा जो होता है वो नेचुरली मीठा होता है, थोड़ा स्वीट होता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि आपको मीठा भी नहीं खाना पड़ेगा और आप गुआवा भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गई कि जो आप कॉफी या टी लेंगे या फिर मिल्क लेंगे उसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं करनी है, ये याद रखना है गाइस। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज डाल सकते हैं एंड दैट इज स्टीविया। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंच, जो आपको करना है 1 से 1.5 बजे के बीच में। एनी हाउ आपको 1.5 बजे के बाद लंच नहीं करना है, जस्ट ट्राई टू हैव इट 1 से 1.5 बजे के बीच में ही, ठीक है। तो लंच में मैं आपको 5 बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दे रही हूँ, फिलिंग ऑप्शंस होंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, और ब्रेकफास्ट हमने अच्छा किया, मिड मॉर्निंग स्नैक हमने अच्छा लिया, नाउ लंच भी हम अच्छा करेंगे। तो लंच में सबसे पहला ऑप्शन जो है मैं आपको दे रही हूँ वो है पालक वाली कढ़ी। नाउ कढ़ी जो होती है PCOS और PCOD लोगों को उतना सूट नहीं करती, कुछ लोगों को, क्योंकि वो कर्ड से, दही से बनती है। तो इन दैट केस आप कढ़ी को स्किप कर सकते हैं, तो फिर आप पालक वाली दाल खा सकते हैं, मूंग दाल में आप पालक ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कर्ड सूट करता है तो वो बहुत अच्छा होता है गाइस, स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, और कई बार हम वेट लॉस में ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पालक बेस्ट फूड है आपका विंटर्स में, अगर आप पालक ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, हर चीज में डालो पालक को, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ में वेट लॉस में भी बहुत मदद मिलेगी। सेकेंड ऑप्शन इज आप ले सकते हैं कैरेट बीन्स की सब्जी, मिक्स वेज आप बना सकते हैं जिसमें आप आलू नहीं डालेंगे, लेकिन आप कैरेट्स एंड बीन्स मिक्स कर एक सब्जी बनाएंगे एंड यू कैन हैव दैट। थर्ड ऑप्शन इज आप ले सकते हैं पालक पनीर की सब्जी, मेरे चैनल पर ऑलरेडी पालक पनीर की रेसिपी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं एंड सेम टू सेम बना सकते हैं, बड़ा ही हेल्दी एंड इजी पालक पनीर रेसिपी है, प्लीज चेक दैट आउट। फोर्थ ऑप्शन इज आप ले सकते हैं लौकी चना दाल की सब्जी, और लौकी चना दाल की जो सब्जी है उसकी बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो हाई है एंड इट इज वेरी गुड इन वेट लॉस। लौकी तो स्पेशली इज अ सुपर फूड इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट। तो ये हो गए आपके 4 ऑप्शन। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन, अगर आप 30 डेज में से मेरे से इन चीजों में से पूछें सबसे ज्यादा आप क्या खाएं, वो फिफ्थ ऑप्शन है, जो कि है छिलका मूंग दाल। छिलका वाली मूंग जो ग्रीन वाली दाल होती है दैट इज बेस्ट, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन लेवल है वो काफ़ी हाई होता है, और वेजिटेरियंस को ना बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से प्रोटीन सोर्स होता है, जो मिल पाता है प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ही आपको हेल्प करता है टू गेट दैट टोन्ड बॉडी। इन सारे ऑप्शंस के साथ जो आपको चीज़ लेनी है वो है 2 ब्राउन ब्रेड। तो ये जो सब्जियाँ मैंने आपको बताई हैं ये आपको बनानी है बहुत ही कम ऑयल में, बहुत ही कम एंड गुड क्वालिटी ऑफ ऑलिव ऑयल में बनानी है। जो ब्रेड हैं आपको उनको प्लेन या तो सेक के खाओ या फिर टोस्टर में टोस्ट कर खा लो, लेकिन उनमें घी बटर वटर कुछ भी नहीं आपको लगाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इवनिंग स्नैक। नाउ इवनिंग स्नैक जो आप लेंगे ट्राई टू हैव इट 4 से 5 बजे के बीच में, उससे ज्यादा लेट नहीं करना है आपको, आपको 4 से 5 में ले ही लेना है अपना इवनिंग स्नैक। नाउ इवनिंग स्नैक में मैं आपको 3 ऑप्शन दूंगी, प्लीज इन तीनों में से ही कोई एक लेना, इससे अलावा कोई और चीज मत लेना, बिकॉज यहाँ से ही हमारा जो वेट लॉस है वो चालू हो जाता है इवनिंग टाइम से। तो अगर आप यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और हमारा जो वेट लॉस है वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। आपको ले लेनी है एक तो ग्रीन टी, ठीक है, ग्रीन टी ले लेंगे आप 1 कप, उसके साथ आप ले सकते हैं 1 बोल स्मॉल बोल ऑफ मखाना, उसको ड्राई रोस्ट करना है या तो थोड़ा सा घी में 1 टीस्पून 1/2 टीस्पून घी डालकर उसको रोस्ट कर देना है एंड यू कैन हैव दैट। मेरे चैनल पर ऑलरेडी मखाना की चाट की वीडियो है, आप प्लीज वो देखो, और वो बस एक ही बाउल लेना है, पोर्शन कंट्रोल याद रखना है एंड नो सॉल्ट। इवनिंग में आपको सॉल्ट नहीं लेना है, डिनर में भी आपको ट्राई करना है टू अवॉइड सॉल्ट, लेकिन अगर आपसे बिल्कुल अवॉइड नहीं होता है, खाया नहीं जाता है, तो थोड़ा बहुत डाल लो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि सॉल्ट को स्किप कर सिर्फ ब्लैक पेपर डालो तो आपका क्विक वेट लॉस होगा।
सेकेंड ऑप्शन इज आप ले लेंगे रोस्ट कर मुरमुरा, वो भी मेरे चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी, आप वो देख सकते हैं, वैसे बना सकते हैं सेकेंड चार्ट. नाउ थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैरेट्स. कैरेट्स खा सकते हैं आप, अगर आपकी जहां आप रहते हैं बेबी कैरेट्स अवेलेबल हो तो वो बेस्ट है, वो आप खा सकते हैं वन बोल. स्किन कुछ लोगों की जो डल हो जाती है वेट लॉस करते करते, तो वो नहीं होगी आपकी. सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट कैरेट्स. हमारा डिनर होगा वो आपको डेफिनेटली कर लेना है 7 बजे के पहले पहले, 7 PM के पहले पहले, उससे ज्यादा प्लीज लेट नहीं करिएगा, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ध्यान में रखना है ठीक है. तो डिनर में मैं आपको जो ऑप्शन दे रही हूँ वो है, सबसे पहला लौकी सूप. लौकी सूप की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, प्लीज जाइए और देखिए. एक तो टेस्टी लगता है वैसा सूप, वो ऐसा सुनने में ही लगता है कि यार लौकी सूप टेस्टी नहीं होगा, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, ट्रस्ट मी. एक बार बनाकर देखो आप, अपने आप आपको पसंद आएगा. सेकेंड ऑप्शन जो है वो है चिली पनीर. नाउ चिली पनीर की रेसिपी अभी मेरे चैनल पर नहीं है, इसीलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ. चलिए तो ये हैं इंग्रेडिएंट्स जिनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज़ अनियंस, ये अलग अलग तरीक़ों से काटे हुए हैं मैंने, जैसे कट गए बेसिकली रफली. ये है ग्रीन कैप्सिकम, बेल पेपर भी बोलते हैं कुछ लोग इसे. और ये हैं कट पनीर क्यूब्स. तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे अनियन. सॉस डाल रही हूँ मैं, ये चिंग्स का है चिली सॉस, ये कुल थोड़ा सा डालना है. सोया सॉस वो भी बस. ब्लैक पेपर डाल देंगे इसमें, सॉल्ट नहीं डालना है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको. इतनी क्वांटिटी एक बंदा डिनर में खा सकता है. सो दिस इज द एग्जैक्ट क्वांटिटी जितनी आपको खानी चाहिए डिनर में अगर आप ये ले रहे हैं. नाउ थर्ड ऑप्शन इज पालक सूप. पालक सूप की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 different soups हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सूप रेसिपीज कर, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो. तीनों सूप्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. एक है कैरेट सूप, कैरेट एंड जिंजर, एक है टोमेटो एंड एक है पालक सूप. ये सूप्स ऐसे हैं, एक तो बहुत जल्दी बन जाएंगे और साथ में दीज सूप्स रियली हेल्प इन वेट लॉस अलॉट. और उसमें सॉल्ट मत डालना प्लीज़ अगर आपको क्विक वेट लॉस चाहिए तो. देन 8:30 इज द टाइम when you are going to have the night drink. Night drink में आपको लेना है 1 cup of जीरा water. That is my fat cutter drink. बिल्कुल उसी तरीके से बनाना प्लीज जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक छोड़ दूंगी. प्लीज देखो उस वीडियो को, वैसे ही बनाना क्योंकि उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत बूस्ट हो जाता है. आपका जो मॉर्निंग में मोशन अच्छे से पास होगा एंड आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जो कि हमें बहुत जरूरी है अगर एक डाइट फॉलो कर रहे हैं. ठीक है गाइज, दिस इज माई विंटर डाइट प्लान. अगर वीडियो पसंद आए हो मेक श्योर यू लाइक इट, शेयर इट विद मोर पीपल, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. इस तरीके की और वीडियोज देखने के लिए मैं 2 से 3 वीडियोज डालती ही डालती हूँ हर हफ्ते. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर गाइज, बाय.